इस पे लगाम को मैं बस में अकेले नहीं बिठाने वाली। तू जा रही है ना, इसको साथ लेके जाना। ये है मेरी जान, मेरी दिलबर। सुनो, तुम्हें बोलना आता है? हमारा नाम मुमताज बेगम है। आज से 10 साल पहले कुछ जालिम लोग हमें अफ्रीका से उठाकर यहाँ ले आए थे, तब से हम यहाँ पे कैद हैं। मैं सोच रही हूँ कि तू जाकर अपने बाप दादा की कब्र को क्यों नहीं पक्का करा देता। गाँव के कुत्ते बोलने की कमर को जमीन का तंदूर समझ के रोटियां लगाती है। तब 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 इसीलिए तंग आ गया उस घर से, चला जाता हूँ मैं। मैं तुमसे मोहब्बत करवा दूंगी, और अगर ना करवा सके ना तो नाम बदल देना। आराम से बैठ। अरे ये मुंह पे क्या लगा लेता है? शीलो ना। अरे मुंह देखा है अपना? प्याला है। प्याला तो बहुत है मेरे चंदा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुंह को साफ रखना चाहिए ना। ये देखिए लगा ली थी मुझे, ये तूने लगाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह, भोले भैया आज तो बड़े साफ सुथरे प्यारे लग रहे हैं। कोमल ये ले बेटा, नाश्ता कर ले। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई, अब जाने दे। अच्छा अच्छा ठहर, ऐसे कर, ये रोल साथ ले जा, रस्ते में खाती जाना। अम्मी मैं रस्ते में कैसे खाऊंगी? बेटा खाली पेट कॉलेज नहीं जाते। भोले जरा बहन को छोड़ा ना बस स्टॉप तक, तेरे चाचा मंडी गए हुए हैं। बोले को देखते ही सारे काम याद आ जाते हैं। अरे रिजवाना तुम भी किसको कह रही हो, हैं उसको बिठाने की बजाय खुद कहीं उड़नछू हो जाएगा, मरना कहना मुझे। भाभी क्या करूं, कोमल के अब्बा घर पे नहीं है ना। अच्छा चल ठीक है जा, लेकिन सीधा घर आइयो वापस, कंचे खेलने ना निकल जाइयो, समझ आई? चल जा। कोई बात नहीं, कोमल मेरी बहन है, भाई छोड़ के आएगा उसे। चल कोमल सीधा आइयो घर वापस। कोमल चाय पी ले भाभी आप। अरे पीती हूँ। पराठा तो चखे दे। एक तो सारे सारे के सारे काम बोले को करने पड़ते हैं, वो सारे काम करने पड़ते हैं बोले को। कोमल टेपा पैसे हैं? पैसे हाँ हैं, क्यों कितने हैं? ये कोई वैगन के आने जाने का किराया निकाल के 200 बचते होंगे, और अगर मैं कॉलेज में बोतल और समोसा भी ले लूँ ना तो भी इतने पैसे तो बच जाएंगे कि वापसी पे बस स्टॉप पे कुल्फी लेके खा सकूं। चल 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 कंगली कहीं की पौने 200 है मेरे पास, तेरे से ज्यादा मीट हो। बोला है मैं डेट काटा हूँ। ये देखो हाँ जी 780 जी। हाँ जी वाह भोले भैया अब तो बड़े अमीर है। नहीं नहीं कोमल अमीर नहीं हूँ, अमीर नहीं हूँ। एक 780 से ना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे 780 बहुत सारे फिर जाके ना सोने के कंगन खरीद सकता है गाहक दुकान से कोई भी ना सब, फिर जाके। हाँ सोने के कंगन, आपने क्या करने है सोने के कंगन? तुझे क्या तकलीफ है, जो मर्जी करूं मैं, अपने काम से काम रखा कर, सीटी चल और दुपट्टा कस के ले सर पे। भले भैया मुझे ना सारी समझ आ रही है, आप बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं किसी को देने हैं आपने? देने हैं। बोले भैया आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने मुझे बताया ही नहीं। गंदी बातें करती हैं, बताऊं चाचा को? बताऊं? नहीं 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 नहीं, गली में है, क्या कर रहे हैं आप? आई बड़ी तेज, ये पकड़ अपना, अब तुझे कभी दोबारा जिंदगी में कभी भी छोड़ने नहीं जाऊंगा, आज भी नहीं छोड़ने जाऊंगा, जा अकेली दफा हो जा। भोले भैया मैं अकेली कैसे जाऊंगी? नहीं इधर नहीं, इधर बैठो वजीर साहब, इधर इधर इधर। माशाल्लाह माल गोदामों से मंडी जा रहा है, रोज जाता है 12:30 बज गए, ऑटोमेटिक गोल्ड। बस काम बहुत बढ़ गया है, दिल करता है कोई इतवार वाला हो, कोई जी 1-2 साथ हो तो आसानी हो जाए। ओ मैंने ना एक जरूरी काम के लिए बुलाया था। खैर तो है ना शोके? जी रे अम्मी जी ठीक कहती है। अम्मी जी? नूरी की अम्मी। मैं सोच रहा हूँ निकाह कर रही लूँ, हैं बच्चे भी लिफ्ते हो गए, हाथ से निकले जा रहे हैं, कोई जनानी होगी ना सिर पे बैठने वाली तो ठीक रहेंगे।
अब मैं जनानी की तरह घर बैठ के कोई सारे काम जब छोड़ के तो नहीं बैठ सकता ना है। बात तो तेरी ठीक है, कोठी बनवाई है 6 कमरे और 6 पक्के गुसलखाने, 3 देसी 3 वलैत, वेड़ा है जहाज जैसा। और गाड़ी देखी तुमने? बहुत बड़ी गाड़ी। नहीं नहीं छोटी सी गाड़ी और आ जाएगी। दिल करता है कि कोई हो ऐसा उन चीजों को बरताने वाला। अब गाड़ी ले ले, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, 7 वाली सीट पे मेरी बैठी हो, बच्चों को घर छोड़ दे, उसके माँ प्यो पीछे बैठे हो, गाड़ी चल रही हो है। सानू भी ले चल नाल वे टाइम को समय रहना तू आप क्यों नहीं? नहीं नहीं शौक है तो बिस्मिल्लाह कर। मैंने तो कर दिया, तू आमीन करना होगा। आमीन रिश्ता डाल रहा हूँ मुदी के लिए, समझा करना यार, समझ लेना ना। अब क्या हुआ है रिश्ता? ओ बिस्मिल्लाह, ओ बिस्मिल्लाह, जो के बिस्मिल्लाह, ओ बिस्मिल्लाह। गर्मी है, पसीना है कोई नहीं, ओ लाओ भाई कोई ठंडी लस्सी पावे धर दिए। रानी मेरी जान, दुआ कर मेरे पर्चों का नतीजा अच्छा आ जाए, फिर मैंने सोचा एफए की किताबें लूंगी, आगे पढ़ूंगी। तू पढ़ती किस वक्त है? जब भी देखो सुबह सवेरे मुर्ख की बांग के साथ घर से निकलती है ताकि उस साहिर नामी बिला का दीदार कर सके। 4 बजे तक तो फैक्ट्री रहती है, 7 बजे तक गुस्सा बाजी के बच्चे संभालती है और फिर रात में मेरा दिमाग चाटती है। हाँ तो तेरे सोने के बाद पढ़ती हूँ ना, तू सोती नहीं है। वो सोने ही कहाँ देता, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उसे याद करते रहने से तो बेहतर है कि मैं अपना सबक याद कर लूँ। क्यों उसके पीछे मरी जा रही है? वो तो मुंह से कुछ फूटता ही नहीं। डरता है ना? किससे? रानी मौलवी का लड़का है, सोचता होगा कहीं सचमुच उसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, लेकिन उसे क्या पता कि एक दिन दरिया ने आकर गिरना तो समंदर नहीं है। तेरी ये बातें, अभी सिर्फ तूने 10 जमातें पढ़ी हैं और तू कैसी बातें करती है। यही अगर तू थोड़ा सा और पढ़ गई तो तू क्या करेगी? तुझे पता है मैं क्या करूंगी? तेरी तरह और सबकी तरह यहाँ प्लास्टिकों में जींसें नहीं लपेट रही होंगी मैं, देख लेना। एक दिन इस सुपरवाइजर की तो मैंने नौकरी हटवानी है। मतलब इसमें कौन से लाल जड़े में मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? एक डिग्री की कमी है ना, देख लेना, तो कुछ अरसे में हाथ में डिग्री आ जाएगी। और इस आफदा बेगम के तो मैंने छक्के छुड़वा देने, इसकी नौकरी मैं छुड़वाऊंगी, मनहूस लगती है मुझे जर। तोबा तोबा तोबा, क्यों किसी की रोजी की दुश्मन बनती जा रही है? अभी तरक्की हासिल की नहीं और अपने इरादे देख, कुछ खुदा का खौफ कर। सिर्फ मैं ही खुदा का खौफ करूँ? इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है। रानी मेरा दिल करता है जो जो लोग मुझे जहर लगते हैं ना, उन सबको मैं रबड़ की तरह घिस घिस के ना खत्म कर दूं। मोहब्बत की तरह तेरी नफरत भी तूफानी है, पता है इस लोग क्या कहते हैं? पागल। काम कर अपना, जाना तूने मेरे साथ ही है। साहिर तुम्हें पता है अगर मैं इस टहनी पे ऐसे उछल के चढ़ जाऊं ऊपर तो मैं दरख्त तक चढ़ सकती हूँ। ठीक कहती है तुम्हारी सहेली, पूरी की पूरी पागल हो तुम। तो लड़कियां तो होती है थोड़ी बहुत पागल है। खैर सारी लड़कियां तो नहीं, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी मैंने। फिर शायद तुमने लड़कियां देखी नहीं है साहिर मियां, जिंदा लाशें देखी हैं, क्योंकि जो जिंदा है वो तो पागल है। हाँ शायद ठीक कह रही हो तुम,
मैंने अपने घर में अपने खानदान में जो लड़कियां देखी हैं वो अगर चलती फिरती लाशें नहीं थी तो भेड़ बकरियां थी, मगर जिंदा इंसान नहीं थे। बेजान, राजी, साबिर, शाकिर, तुम्हें पता है अगर मेरी अम्मा ने तुम्हें देख लिया या तुम्हारी बातें सुन ली तो बेहोश हो जाएंगी वो। ओ, अच्छा, मैं समझ गई साहिर, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल उसी वैसी ढल जाऊंगी, वैसी लड़की बन जाऊंगी जैसे तुम्हारी अम्मा को पसंद है। मैं चादर नहीं, मैं बल्कि बुरखा लेना शुरू कर दूंगी। तुम्हारी अम्मा को जैसी लड़की पसंद है ना, मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। फिर तुम बात करोगे अपनी अम्मा से? ये गज भर लंबी जबान तो बुरके के पीछे से भी चलेगी ना। चुप कर जाऊंगी। या फिर तुम कहते हो तो जबान कटवा देती हूँ या काट देती हूँ। क्या क्या काटोगे नूरी? वल्दियत के खाने से अपने बाप का नाम और पेशा कैसे काटोगे? रूखी सूखी खाकर बड़े हुए हैं, कोई ऐश आराम देखे न रुपया पैसा, फिर भी पूरा मोहल्ला बढ़कर सलाम करता है। दूर दूर से बच्चों को दम करवाने के लिए लाते हैं लोग अम्मा के पास। पता है नूरी, अम्मा किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली या किसी गैर के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली को तो शायद फिर भी कबूल कर ले, मगर घर घर कूड़ा उठाने वालों की बेटी को नहीं करेंगे। के लिए और तेरी बेबे के लिए? अरे नजीरे, अपनी नूरी से वो 20-25 साल बड़ा है और वो पिछली वाली के बच्चे भी हैं। करतूत देखे हैं उसके? जेल में रह चुका है और ऊपर से जवानी में उसने अंत मचाई हुई है। सारे इलाके को पता है वो लंबरदार की लड़की भगा के ले गया था। ना तो तू ही बता दे कोई इज्जतदार रिश्ता। अब हमारी झुग्गी में तो झुग्गी वाले का ही रिश्ता आना है ना। ना शुक्रिया औरत, पक्के सेन वाले का रिश्ता है तो उसमें कीड़े निकाल रही। उसका घर तो देख जाकर, चमचमाती हुई बुलाती टहले, बाहर दरवाजे पर रंगीन कली, ये लंबी कार, माल से भरे गोदाम, ऐसे ही ऐसे। पर जिसने जाना है पक्के सहन में, अरे उसकी तो रजामंदी पूछ ले ना। तो तू किस दिन कम आएगी? चुटिया से पकड़ के मना उसे, उस अकेली ने थोड़ी ऐश करने, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। वो शोके के सोरे इस चुग्गी में थोड़ी रहेंगे, नाक ना कट जाएगी उसकी। और फिर अपने सालों को भी तो काम पे लगा देगा, इतना लिहाज भी नहीं करेगा। और तो सुने, उसने कहा है कि निकाह से पहले पूरा 1,00,000 मेरे हाथ में रखेगा। पूरा 1,00,000 रुपया? हाँ, वो ये तो उसने अपने मुंह से कहा है। अगर मैं कहूँ ना
तो पैसे बढ़ा भी देगा। अपनी नूरी उसे पसंद आ गई है। ठीक है, नूरी को आने दे, मैं बात करती हूँ। उसे भी बड़ा शौक है गाड़ी में बैठने का और नौकर चाकर रखने का। मुझे लगता है मान जाएगी। बात करती हूँ उसे। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो। जात से नहीं, नहीं, मैं नहीं हूं। मेरी बेबे है, मेरे अब्बा है। साहिर, मैं इज्जत से हक हलाल की रोजी कमाती हूँ। तुम्हें पता है मैंने कुरान भी पढ़ा है और कुरान में साफ साफ लफ्जों में ये भी पढ़ा है कि सब इंसान बराबर है। तुम्हारी अम्मा ने भी तो कुरान उन्होंने पढ़ा नहीं है बल्कि घोल के पिया है, तो उन्हें ये बात नहीं पता? कुरान उन्होंने आखिरत के लिए हिफ्ज किया है और इस दुनिया के असूल इस माशरे में जीने के लिए रट रखे उन्होंने। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि मैं तुमसे इसी वजह से दूर रहता हूँ। तुम्हें भी कराहियत आती है मुझसे? किन खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऐसी उम्मीद या खुशफहमी नहीं दिलाना चाहता जो बाद में पूरी ना हो तो तुम्हें दुख। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम्हारी अम्मा मुझे कबूल नहीं करेंगी? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। साहिर, हम एक काम करेंगे कि तुम्हारे घर में बताएंगे ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरे अम्मा अब्बा क्या थे। हाँ हाँ, जिसके ना आगे का कुछ पता हो ना पीछे का कुछ पता हो, ना कोई वाली वारिस ना खानदान का आता पता, उसे तो मेरी माँ चूम चाट कर सीने से लगा कर रखे है ना। कुछ नहीं होता साहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बस
थोड़े से वक्त में मुझे देखो, मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगी, खूब सारे पैसे कमाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी, अपनी शनाख्त में खुद बनाऊंगी, फिर तुम देखना कितना फख्र महसूस करोगे और मेरा तारुफ कराओगे अपने घर में। किससे? अपने बीवी बच्चों से। जितना लंबा तुमने प्रोग्राम बनाया ना, मेरे 3-4 बच्चे हो चुके होंगे। शकुरन, ए शकुरन, शकुरन आई नहीं? शकुरन, अरे भाभी कहाँ आती है वो 12 बजे से पहले कभी? मुझे तो लगता है उसने गोड़ मारी के पिछले कोई सिख थे, हर काम का एक ही वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूरे 12 बजे। अब आने की भी नहीं है, अब नहीं आएगी, हाथ की सफाई दिखा गई, उड़न छू हो गई, अब नहीं आएगी। क्या हुआ भाभी? कल से कंगन नहीं मिल रहे मेरे, पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, ले गई होगी पल्लू में छुपा कर। पर भाभी वो तो कल शाम 5 बजे ही चली गई थी। अरे याद आया, आप खुद ही तो कह रही थी कि गर्मी दानों को तंग कर रहे हैं कंगन, उतार कर रख दूं, याद आया? और पता है उस वक्त तक तो उसे गए हुए 1 घंटा गुजर चुका था। अरे हाँ सही कह रही रिजवाना, वजू करने से पहले मैंने तो अपने सराहने रखे थे, फिर कहाँ गए, तो ढूंढ ढूंढ के थक गई पूरे घर में। भाभी सिर्फ कंगन ही ढूंढे हैं या भोले को भी ढूंढा है? क्या मतलब, क्या मतलब भोले को ढूंढा, उससे क्या ताल्लुक इसका? सुबह से नाश्ता किए बगैर घर से निकला हुआ है, अगर तो भूख से निढाल होकर घर वापस लौट आया तो खैर, वरना फिर कंगन उसी के हाथ लगे। ये लत भी लग गई, उठा कर छूटी हो कहीं इधर उधर से मिल जाएगा, क्या मुसीबत। मैं ना अपनी जान, अपनी 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 दिलबर, अपनी मुमताज बेगम के लिए पता क्या लाया हूँ? कंगन। कंगन ले क्या? हाँ भैया, हाँ जी हाँ, मेरी जान मुझे कोई हुक्म करे और मैं पूरा ना करूँ, ये वाला हो सकता है भला? सोने के हैं? नहीं, जागने के हैं। ये वाला मजाक था, सोने के हैं। मैं तुमको अपने हाथों से पहना हूँ भला। ठहरो, रुको, अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो, बाहर जाओ। तू बोला मुझसे शादी करेगी, मेरी दुल्हन बनेगी? ये कंगन सोने के ही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोने के ही। कर लूंगी शादी। हैं? आए 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 मजे, आए 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 मजे। जब तेरी मेरी शादी हो रही है ना, लोगों को मिर्ची लग जानी है, लोगों को मिर्ची लग जानी है। मेरी चाची मुझे कहती है, जा तेरे भोले को कोई ना दे अपनी लड़की। हाँ अब जब तेरी मेरी शादी होनी है ना, तो जब तू तेरी मेरे शादी के बाद तेरी मेरी छुट्टी होनी है, मैंने तेरा हाथ पकड़ के तुझे कहते लेके जाना घर के अंदर, मैंने ये मिल गई मेरी मेरी दुल्हन से, तो मजे आ जाने। मैं तुम्हें बनाऊंगा कि अपने हाथों से? नहीं नहीं इधर से फेंक दो ना, तेरे तो हाथ नहीं है, तू कहाँ पहनेगी? मैं दुम पे पहन लूंगी। ठीक है चल, मैं ना फेंकता हूँ।
नूरी, नूरी, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। रानी से मैंने कहा अंदर से नया जोड़ा ला दे, तुम्हारे लिए लिया था, ईद पर सिलवा लेना। हाँ, और राशन के थैले भी हैं, वो भी साथ ले जाना। तो बाजी, अभी तो 4-5 दिन है ना ईद में, अभी इससे चली जाऊं? फैक्ट्री में भी तो छुट्टियां हो गई हैं, सबको ईद करने अपने गांव जाना होता है। तुम्हें पता है ईद तो अपनों के साथ ही होती है। नहीं नहीं, आप तो ठीक ही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईद से एक दिन पहले चली जाती हूँ। आपको भी यहाँ पे कितने सारे काम होंगे, रानी भी जा रही है। अरे भाई, ईद करने मैं खुद साहिवाल जा रही हूँ, जब घर वाले घर ही नहीं होंगे तो कौन सा घर संभालोगे। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम से पहले निकल जाना। अम्मा जन्नते को मेरा सलाम कहना। अरे हाँ सच, अम्मा जन्नते से याद आया, उनके ईद का जोड़ा और राशन का थैला अलग से रखा है, याद से वो भी साथ ले जाना, ठीक है? ईद करने घर जा रही हो तुम? तुम कहते हो तो नहीं जाती। मैं क्यों कहूंगा, मैं तो खुद गांव जा रहा हूं। तुम्हें तो दिल ही नहीं रखना आता साहिब। इसीलिए तो रखता नहीं मैं, ये तो तुम ही हो जो जबरदस्ती देने पे तुली बैठी हो। दिल अब तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। हाँ तो फोन कर लेना ना, अभी पिछले महीने तो लिया तुमने फोन अपनी तनख्वाह से। साहिर, एक कमरे का घर है मेरा, चार लोग हमेशा सर पे सवार रहते हैं, मैं तुमसे कैसे फोन पे बात करूंगी? अच्छा मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम जवाब देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? ईद का तोहफा, लो। सच में? चूड़ियां भी है? लेकिन ये क्या है, नारंगी चूड़ियां, नारंगी जोड़ा, काला दुपट्टा? दुपट्टा नहीं है, शॉल है। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुमने काली चादर ओढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैं हमेशा यही पहनूंगी मरते दम तक, और अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी कि कफन भले सफेद हो पर चादर काली जरूर हो। फिर वही जज्बाती बकवास। साहिर ये बकवास नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें अच्छी लगना चाहती हूँ। बहुत प्यारी हूँ, ईद के दिन पहनूंगी। एक सांस जावे दोनों सांसों का किनारा तू, कुछ नजर ना आवे बेबसी बढ़ जावे, कोई तो दे दे इशारा तू।
खैर तो है। अरे शहर में कोई आग मटका तो लगा के नहीं आ गई? हाँ। आज की मशूकी और तू खिक्कर पे बाहर। सच कह रही हूँ। कौन है बताना, कौन है? है कुछ तुझे क्या? अरे मुझे नहीं तो क्या पड़ोसियों को होगा? सच सच बता, सच सच बता, क्या गुल खिलाकर आई है? बुलाऊं उसको? क्या हो गया बेबे, हाथ पर कर। अच्छा बता कौन है, है? क्या करता है? कारोबार? कोई जमीन मकान जायदाद? जमीन जायदाद कारोबार, इस सब के बारे में तो तू ऐसे पूछ रही है जैसे उन्होंने हमारे खानदान के बारे में कुछ नहीं पूछना। अच्छा ना, ऐसी कह रही थी, कोई नहीं है। कमबख्त, माँ से मजाक करती हो? देख एक बात कान खोल के सुन ले, ये आज की मशूकी ना ये गरीबों को जेब नहीं देती, चोरों और मुसलियों के घर में सोनी साहिबा और हीर पैदा नहीं होती हैं, समझ आई? ताई जी देखे मत रोए ना प्लीज, आप ऐसे खुद को निढाल कर रही हैं। भोले भैया ने तो आदत ही बना ली है, वो कोई पहली दफा थोड़ी गए हैं घर से, कभी कुछ दिनों बाद चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। अच्छी भी है, बस आप मत परेशान हो ना। कैसे ना परेशान हूँ, काहे का सबर करो, मुझे बता ईद का दिन है और मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने नहीं, आज पांचवा रोज है, क्या करूं? अल्लाह जाने ये लत कहां से पड़ गई इसे, ऐसा तो नहीं था वो, पता नहीं चार सालों में कोई दर्जनों मोबाइल होंगे जो बेच चुका है और रकम भी सारी ये हेलो ठेलो में लगा देता है, खाने पीने पे नहीं लगाता। फोन होता तो कम से कम पता तो चल जाता कि किस माँ के साथ ईद गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक भाभी जी। अरे छोड़ो मियाँ, मेरी कौन सी ईद और कहाँ की, मेरा बच्चा ही नहीं सामने तो मेरी कहाँ की ईद होगी ताई जी। अरे भाभी जी इस बार तो वो आपके जेवर चुरा के भाग आए, आप जानते हैं कि जब तक उसकी जेब में पैसे होंगे वो वापस नहीं आएगा, मुझे लगता है कि इस बार कुछ दिन लग जाएंगे। अरे नुसरत मियां कम से कम मुंह फाड़ के ये चोरी का नाम तो ना लो। अरे उसे क्या पता, मेरे बच्चे मासूम को क्या पता ये चोरी मोरी क्या चीज होती है, उसे कुछ खबर नहीं, ना अपनी ना होश ना दुनिया का पता। अरे वो तो बस वैसे ही जाते जाते इस बार ले गया कंगन, उसे क्या खबर ये क्या है और क्या होगा, बिकेंगे नहीं बिकेंगे क्या होगा। नहीं नहीं भाभी जी, मेरा हर किसी ये मतलब नहीं था, मैं तो कह रहा था कि मैं माजरा चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा आप फिक्र ना करें, मैं ढूंढ के आता हूँ, बस यहीं कहीं होगा, जाना क्या है उसने। बेटा ताइये माँ का ख्याल रखो, मैं पता करके आता हूँ भाभी जी। हर कोई पीछे लगा रहता है, हर किसी के मुंह में आया मैं मेरा बच्चा। इतना तरद्दुद किया कुछ सिया ने, अल्लाह से खुश रखे इतना राशन भिजवा दिया। हाँ क्या तरद्दुद अम्मा जी, उन्होंने रमजान में ज़कात निकालनी थी, सिर्फ आपको नहीं दिया है, फैक्ट्री के मजीद 65 लोगों को भी दिया है। तुझे भी दिया होगा, तिजोरा भी उसी ने दिया ना। तौबा करें आप अम्मा जी, वो तो मैंने बेबे को दे दिया, मैं भला क्यों ये ज़कात और खैरात के जोड़े पहनने लगी ईद को, है? अल्लाह माफ करे, मैंने तो बेबे को कहा कि ये राशन भी ना मेरे जाने के बाद खोलेगा, मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे मेरी कमाई की खिलाएं। अम्मा जी मैंने बेबे को कहा ये ना थोड़े से पैसे ले लें, हम ना ईद का मीठा अपने घर में बनाएंगे, तो आप दूध सिवैयाँ चीनी ये ले आए, हम बनाएंगे। लेकिन ना तो तू खुद बना लेती। कहाँ से बना लेती अम्मा जी, वो कुछ लाएंगी तो बनाऊंगी ना, उन्होंने तो बस ये कह दिया कि ईद के दिन खुद घर पे मीठा कौन बनाता है, हम जिस जिस के घर ईद मिलने जाएंगे वो छोटी छोटी पोटलियों में ना मीठा और पुलाव हमें दे देगा,
अब अम्मा आप खुद सोचें, अब माशाल्लाह से मैं खुद कमाती हूँ, मैं क्यों सात घरों की दी हुई सौगात को भीख में कबूल करूं? मैं रूखा खा लूंगी अम्मा जी, लेकिन भीख नहीं इस तरीके से कबूल करूंगी किसी की। क्या हो गया है? मुझे तेरी बातों से डर लगता है। आपको भी डर लगता है? और किसे लगता है? उसे। किसे? जिसे हर चीज से ही डर लगता है। क्या है? ईद मुबारक। काम क्या है? ईद मिलने आए हैं। अब्बा अभी घर पर नहीं है, फिर आना। जा अंदर तो आ लेंदे ना। क्यों? हाँ? अंदर क्या है तेरा? सब कुछ समझ, सब कुछ मेरा ही है। बस